नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही कमाल की जानकारी देने जा रहे हैं, यानी कि रिलायंस जियो के बारे में। अगर रिलायंस जियो का सिम आप इस्तेमाल कर रहे होंगे या लेने का प्लानिंग कर रहे होंगे या जियो फोन लेना चाहते होंगे तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो में हम आपको बहुत ही कमाल की जानकारी, आपको फ़ायदेमंद जानकारी देने जा रहे हैं। फिलहाल रिलायंस जियो ने हैप्पी न्यू ईयर के ऑफर नाम से एक ऑफर लॉन्च किया है, उस ऑफर के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप रिलायंस जियो का फ़ोन लेना चाहते होंगे तब भी ये वीडियो देखिए, रिलायंस जियो का सिम इस्तेमाल करते होंगे तब भी ये वीडियो देखिए, या आप लेने का प्लानिंग कर रहे होंगे तब भी ये वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है और काफ़ी आपको फ़ायदेमंद यूजफुल वीडियो ये हो रहा है। ऑफर है, आप देख रहे होंगे रिलायंस जियो ऐप जो है माई जियो ऐप, इसे मैं ओपन कर रखा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक बैनर सा बना हुआ है, 2020 हैप्पी न्यू ईयर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 1 ईयर अनलिमिटेड सर्विस एट 2020 रुपये का यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें हम आपको लेकर चलते हैं कि रिचार्ज वाले ऑप्शन पर कि इसमें वैलिड क्या क्या आपको सर्विस जो है मिल रहा है, कितना GB मिल रहा है, कितना SMS मिल रहा है, सारा कुछ आपको डिटेल में समझा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे 2020 का 365 दिन आपको मिल रहा है, 547.5 GB आपको मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे क्लिक करिए मैं अनलिमिटेड कॉल जियो टू जियो पूरा फ्री रहेगा। जियो सदर नंबर पे आपको बात करने के लिए 12,000 मिनट्स मिलेगा, उसके बाद अगर जब बात करते हैं तो 6 पैसा आपको कटने लगेगा, पैसा आपको देना होगा। अनलिमिटेड डाटा 547.5 GB रहेगा, जिसमें आपको 1.5 GB पर डे आपको मिलेगा, यानी कि एक दिन में 1.5 GB आपको इंटरनेट मिलेगा। 100 SMS मिलेगा। चौथा जो है आपको कॉम्प्लीटली जियो ऐप्स वैलिडिटी 365 दिन। यहाँ पे आपको ये ऑफर आप तो समझ चुके हैं कि इतना सर्विस आपको 365 दिन मिलेगा, 100 SMS पर डे मिलेगा और 1.5 GB इंटरनेट आपको मिलेगा, 12,000 मिनट्स आपको जियो से अदर नंबर पे बात करने के लिए मिलेगा। अगर आप जियो फ़ोन अगर लेते हैं तो जियो फ़ोन में आपको क्या है कि यही पैसा में आपको 2020 में वही सर्विस आपको मिलेगा, रिचार्ज 1 साल तक मिलेगा, फ़ोन जो हो जाएगा आपका वो फ्री में, आपको एक तरह से समझ सकते हैं कि फ्री में आपको फ़ोन हो जा रहा है और 1 साल का रिचार्ज का पैसा आपको सिर्फ 2020 रुपये आपको लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि क्या मैं अपने नंबर पे अपने स्मार्टफोन एंड्रॉइड सब में मैं रिचार्ज कराऊंगा 2020 का तो कुछ भी क्या मुझे जियो फ़ोन मिलेगा? जी नहीं, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जियो फ़ोन का ही दाम समझिए तो सिर्फ आपको 2020 का रिचार्ज कराते हैं तो सिर्फ ये जो मैं सर्विस बताया वो आपको मिलेगा मोबाइल फ़ोन में। और अगर आप यही सर्विस को सेम सर्विस आप अपना जियो फ़ोन में भी आप ले सकते हैं, जिसका वैलिडिटी 1 साल रहेगा, इसमें भी 365 दिन और उसमें भी 365 दिन, तो एक तरह से समझा जाता है मोबाइल जो है वो फ्री हो जा रहा है, क्योंकि 1 साल का सर्विस जो है उसमें ऐड करके दे रहा है, 2020 का रिचार्ज करके हमें दे रहा है, तो फ़ोन तो फ्री ही हो गया एक तरह से समझे तो। जियो फ़ोन जो हो गया वो फ्री होगा, क्योंकि 2020 का तो रिचार्ज उसमें आ रहा है। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि 2020 रुपये का रिचार्ज जब हम कर रहे हैं 365 दिन हमको सर्विस दे रहा है हमारा फ़ोन में, जो स्मार्टफोन में चला रहा हूँ फिलहाल रियलमी का, इसमें या कोई भी अदर में हम लोग फ़ोन चलाते हैं एंड्रॉइड फ़ोन ये सब, तो उसमें तो हम लोग को 2020 का रिचार्ज करा रहे हैं 365 दिन फिलहाल ये दे रहा है, हालांकि 365 दिन तीन से कम ही का वैलिडिटी, हालांकि फिलहाल ये 1 साल का प्लानिंग का थोड़ा सस्ता हुआ है अभी फ़िलहाल में, नहीं तो इससे पहले जो था वो महंगा था, आप लोग देख भी रहे होंगे। हैप्पी न्यू ईयर प्लान का यही बेनिफिट है, आप 2020 का रिचार्ज करते हैं अपना स्मार्टफोन में तो आपको 1 साल का सर्विस सेम मिलता है, और आप 2020 रुपये दे करके मोबाइल लेते हैं तब भी आपको सेम सर्विस मिल जाता है 1 साल तक, और मोबाइल आप समझे तो एक तरह से फ्री में आपको जियो का हो जा रहा है। तो आप मोबाइल फ़ोन दोनों समझिए, कुछ भी समझिए, समझने का थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन रिचार्ज आपको 2020 का रिचार्ज करेंगे सेम आपको 365 दिन का सर्विस मिलेगा उसमें भी, और इसमें भी आप 2020 का रिचार्ज करते हैं तो सेम सर्विस आपको इसमें भी मिलेगा। आशा करता हूँ जानकारी शायद आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए यह नमस्कार, दिन शुभ हो। कोई भी सवाल शुभ हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।